हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अंजलि झा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दम आलू की रेसिपी। मैंने इसे बिना प्याज लहसुन की बनाई है, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ पूरी रेसिपी। यहाँ पे मैंने कच्चे आलू लिए हैं, इन आलू को हम छील लेंगे। तो मैंने इन्हें छील कर साफ कर लिया है। अब इनमें कुछ बड़े आलू भी हैं, तो मैं इन्हें बीच से कट कर लूँगी। तो मैंने सारे आलू को जो बहुत बड़े थे उन्हें 4 टुकड़ों में और जो थोड़े छोटे थे उन्हें 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। चलिए अब इसमें फोक की सहायता से छोटे छोटे होल्स बना लेते हैं। इससे क्या होगा, ग्रेवी इसके बिल्कुल अंदर तक जाएगी। तो ऐसे ही मैंने सारे आलू में इस तरह से फोक से होल्स कर लिए हैं। चलिए अब आलू तैयार हैं, इन्हें साइड रखते हैं। मैंने एक पैन में तेल चढ़ाया है, अब इस पे हम आलू को फ्राई करेंगे। तो मैंने सारे आलू को डाल दिया है इसमें। मैंने थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है और इसे ढक दिया है। चलिए दूसरी तरफ मसाले बना लेते हैं। मसालों के लिए मैंने इलायची ली है, लौंग ली है, दालचीनी, काली मिर्च, धनिया और जीरा लिया है। तो इन सबको धीमी आंच पे भून लेंगे, हल्का सुनहरा होने तक भुनेंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने ग्रेवी के लिए टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची ली है। चलिए इसे पीस लेते हैं। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में जार में सबको डाल दिया है, अब इसे पीस लेंगे। बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे, टमेटो प्यूरी जैसा। सिर्फ इसमें अदरक और मिर्ची का टेस्ट है। अगर आप मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्ची को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों को पीस लिया है। तो ये देखिए एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। चलिए अब मसाले भी ठंडे हो गए, तो मैं इन सबको अच्छे से पीस ले रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। इस मसाले से सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये फ्रेश मसाले हैं, अभी हमने भुने हैं और इसे मैं कूट ले रही हूँ। थोड़ा टाइम लगता है इसे, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इन्हें थोड़ा दरदरा पीसना था। ये देखिए मसाले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है इसे। जब हम इस तरह से मसाले बनाते हैं तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल में कर्ड लिया है, मैं इसे फेंट लूँगी, इससे इसके सारे लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। इसमें अब हम मसाले डालेंगे। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कीजिए। मैंने भुने हुए मसाले जो हमने तैयार किए थे वो डाल दिए, और मैंने डाल दी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए मसाले तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर आलू भी भुन चुके हैं, देखिए अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं आलू। तो अब सारे आलू को निकाल लेंगे। मैंने एक बर्तन में इसे निकाल लिया है। आप चाहे तो बॉयल आलू का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कच्चे आलू से बनाया है आलू दम। चलिए आलू सारे हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए कितने सुनहरे आलू लग रहे हैं। अब उसी तेल में हम डालेंगे जीरा 1 चम्मच, डालेंगे थोड़ी सी हिंग, हिंग से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। यहाँ पे मैंने डाला है तेजपत्ता और सूखी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 लाल मिर्च डाली है, इन्हें थोड़ा लाल होने देते हैं। ये देखिए थोड़े सुनहरे हो गए हैं ये। अब इसमें डालेंगे टमेटो प्यूरी जो हमने तैयार की थी अदरक और मिर्ची के साथ। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। चलिए अभी मसालों को मिलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। करीब 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक कर रख दिया था। ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं, ऑयल थोड़े थोड़े सेपरेट हो चुके हैं। इसे चला लेते हैं। अभी जो हमने दही के साथ मसाले मिक्स किए थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे। तो अभी दही और मसालों का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो सारे हमें कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। इसे काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ रहा है। आप चाहें तो कैश्यू नट भी डाल सकते हैं। आप उसे सोक करके रख दें थोड़ी देर के लिए और उसे ग्राइंड कर दें। इससे सब्जी की ग्रेवी में थिकनेस आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने अनियन और गार्लिक यूज़ नहीं किया है, तो
तो इसे थिक रखने के लिए मैंने दही का यूज़ किया है, तो आप काजू भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ी और थिकनेस बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैं बिना काजू का बना रही हूँ दही के साथ। तो चलिए, मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इन्हें थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। तो यहाँ मैं इसे ढक कर रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। फिर से मैंने लिड लगा दिया है इस पर। चलिए 7 मिनट हो गया है, खोलकर चेक करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे से ऑयल सेपरेट हो चुके हैं, मसाले बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हमने जो फ्राई किए थे आलू, वो सारे आलू इसमें डाल देंगे। तो ये मैंने सारे आलू डाल दिए फ्राई किए हुए। मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने फ्रेश मसाले बनाए थे घर पे, और इन सारे को अच्छे से मिलाने के बाद देखिए आलू में बिल्कुल मसाले लग गए हैं। अब हम पानी ऐड करेंगे। तो आप पानी अपनी ज़रूरत के अनुसार, अगर आप सेमी ग्रेवी खाना चाहते हैं तो कम पानी डालिए। यहाँ पे मैं चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है इसमें। चलिए अब इसे मिला लेते हैं और इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक इसमें एक अच्छी उबाल ना आ जाए, हम इसे ढक कर रखेंगे। तो मैंने लिड लगा दिया है इस पर। एक अच्छी उबाल आने तक इसे हमें ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। देखिए एक अच्छी उबाल आ गई है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे धनिया। मैंने गैस बंद कर दिया है। तो ये हमारी दम आलू तैयार है बिल्कुल सर्व करने के लिए। तो मैंने चावल बना कर रखे थे, उसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। कभी कभी ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ पे हम अनियन गार्लिक नहीं बना पाते, और आपको अगर सब्जी बनानी है तो आप इस तरह से आलू की सब्जी बना सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी और आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व किया है, और मैं आपको बता नहीं सकती इतनी अच्छी टेस्ट आती है इस सब्जी की कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। आई होप यू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।